3 मई के बाद लॉकडाउन पर क्या है फैसला? राज्य सरकारें बढ़ाना चाहती हैं तालाबंदी। मोदी सरकार राज्यों को देगी लॉकडाउन 3.0 का अधिकार। लॉकडाउन 3.0 के लिए गहलोत सरकार की तैयारी। सोमवार को मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की चौथी बैठक से अभी तक कोई बड़ा ऐलान तो सामने नहीं आया, लेकिन लॉकडाउन को लेकर राज्यों की अलग अलग राय जरूर सामने आई है। दिल्ली सरकार भी लॉकडाउन में कुछ और वक्त चाहती है। गुजरात सरकार हॉटस्पॉट इलाकों के बाहर काम धंधे शुरू करना चाहती है। हरियाणा सरकार रेड जोन इलाकों में बॉर्डर सील रखना चाहती है। महाराष्ट्र सरकार मुंबई पुणे में लॉकडाउन बढ़ाना चाहती है। मध्य प्रदेश सरकार इंदौर भोपाल और उज्जैन में कोई रियायत नहीं देना चाहती। कोरोना के मरीजों की संख्या के साथ देश में चौथे नंबर पर पहुंचने वाले राजस्थान में सरकार चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन हटाना चाहती है। आज तक के कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने एंकर अंजना ओम कश्यप के सवाल का जवाब देते हुए प्रदेश में लॉकडाउन के बारे में जानकारी दी। सचिन जी, आज मैं वही सवाल आपसे पहला पूछूंगी जो शायद देश का कोई भी आम व्यक्ति अगर उसको सीधा एक्सेस होता तो वो आपसे यही पूछता। सर, क्या 3 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो किस तरह से, क्या इतनी ही सख्ती के साथ? मुझे लगता है कि लॉकडाउन की उपयोगिता खत्म नहीं हुई है, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि संपूर्ण देश को पूरी तरह लॉकडाउन में रखना बहुत लंबे समय तक उपयोगी नहीं रहेगा। देश की अर्थव्यवस्था को दोबारा पुनर्जीवित करना पड़ेगा, लेकिन जो एहतियात और जो प्रिकॉशंस हमको लेने हैं उसमें कोई ढिलाई देने की स्थिति में वहाँ पर नहीं होंगे जहाँ पर केसेस बहुत ज़्यादा हैं। जिन स्टेट्स में टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है, पॉजिटिव पेशेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं, संक्रमण का खौफ ज़्यादा है, वहाँ पर हमें अपना लॉकडाउन मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि मत भूलिए कि पिछले 40-35 दिनों की जो मेहनत है वो धराशायी हो जाएगी अगर हम सारे यातायात, बसें, ट्रेन खोल देंगे। तो स्टेजेस में खोलना पड़ेगा, और अलग अलग राज्य के भीतर में भी अलग अलग जिलों की अलग अलग स्थितियां हैं, उसके अनुरूप हमें गतिविधि को, आर्थिक कामों को थोड़ा पुनर्जीवित करना पड़ेगा। और किसानों के लिए, खेत में जो हमारा कृषक वर्ग है उनके लिए पूरी खुली छूट देकर काम कराना पड़ेगा ताकि जो हमारा सप्लाई चेन है वो लगातार मेंटेन रहे। तो लॉकडाउन की जो रिटर्न्स हैं वो डिमिनिशिंग है, लेकिन ये कहना बड़ा गलत होगा कि हम अति आत्मविश्वास में लॉकडाउन को उठा दें और फिर दोबारा से संक्रमण दोबारा फैल जाए। ये मैं समझता हूँ किसी कीमत पर हमारा मुल्क, हमारा देश अभी इस स्थिति में नहीं है कि उसको हम सहन कर पाए। लॉकडाउन में राज्यों के बीच सबसे बड़ी तकरार आवाजाही को लेकर है। राज्य चाहते हैं कि इस पर नीति स्पष्ट और एक होनी चाहिए। कोटा में फंसे छात्रों और कई राज्यों में फंसे दूसरे राज्यों के मजदूरों का मुद्दा भी सियासी बनता जा रहा है। ज्यादातर राज्य इस तरफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार को इससे दिक्कत है। सोमवार को ही बैठक में पीएम के सामने कोटा में फंसे छात्रों को लेकर भी मांग रखी गई थी। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से कई महीनों तक इसका असर देखा जा रहा है, तो ये बहुत अप्रत्याशित नहीं होगा अगर ये सिलसिला मई जून तक ही जारी रह जाए। और वैसी स्थिति में निश्चित तौर पर अगर थोड़ी बहुत भी लापरवाही बरतते हैं तो इसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं। इसलिए वो तमाम एहतियात और सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे इस दौर में अगर ये मामला पहुंचता है तो उससे मानवता का बड़ा नुकसान नहीं हो। बिहार की सरकार ने शुरू में तो बच्चों को लेने से इनकार कर दिया था। वहां के चीफ मिनिस्टर मिस्टर नीतीश कुमार जी, उनकी सरकार ने ये फैसला लेकर कहा, बड़े नाराज हुए इस बात से कि यूपी सरकार राजस्थान से बच्चे लाने के लिए बसें भेज रही है, और वो पूरे नेशनल मीडिया पर आज तक पर भी चला उनका हम नहीं ले। अब वो तैयार हो गए हैं लेकिन वो बसें नहीं भेज रहे हैं। तो हमने, हमारे पास कोटा में जितनी बसें, हम राजस्थान से जो भी बाहर जाने वाले स्टूडेंट, चाहे वो यूपी है, एमपी है, आसाम है, महाराष्ट्र है, वहाँ हमारे पास जितनी बसें हैं, जितनी कार है, टैक्सीज हैं, वो सारी हम उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन वो जितने प्राइवेट व्हीकल से ऑन पेमेंट है, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बहुत कम रेट पर वो जा सकें। कहीं न कहीं सोमवार को पीएम और सीएम की बैठक का भावी सार यही है कि 3 मई के बाद जो भी फैसला होना है उसमें राज्यों की भूमिका ज्यादा रहेगी, क्योंकि आर्थिक गतिविधियों पर ज्यादा दिनों तक रोक लगाना मुश्किल होगा। ऐसे में लॉकडाउन खोलना या नहीं खोलना ये राज्यों की सहमति से ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।